2016 का क्वेश्चन लेके रखा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं. एज आई सॉल्व आई विल से द स्टेप्स एंड द टिप्स हाउ टू सॉल्व देम. चलिए शुरू करते हैं. तो हम माइनस एट एंड हाफ लेस देन माइनस वन बाई टू माइनस फोर एक्स लेस देन दिस. तो यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हुए हैं, है ना, दो इन इक्वेशन दिए हुए. एक तो ये फर्स्ट टू लेना है, फिर सेकेंड में ये दो लेके करना है. तो दो इक्वेशन यानी कि दो इन इक्वेशन यहाँ पर दिए हुए हैं. तो चलिए इसको हम पहले ये दोनों को लेके सॉल्व करते हैं. तो ये हो गया 17 बाई टू लेस देन माइनस हाफ माइनस फोर एक्स. तो इसको सॉल्व करना आपको, ठीक है. तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो माइनस तो ये बताता हूँ, जो एक्स है एक्स को इधर लेके आइए, और माइनस भी है तो बहुत अच्छा है, तो इधर प्लस हो जाएगा. सो फोर एक्स लेस देन माइनस हाफ, ये इधर आके प्लस हो जाएगा. सो 17 बाई टू. सो फोर एक्स लेस देन एलसीएम ले लीजिए, फ्रैक्शन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, आपको मालूम है. 1 माइनस 17 प्लस 17, सॉरी. सो फोर एक्स लेस देन 16 बाई टू. सो फोर एक्स लेस देन 8, फिर एक्स इज लेस देन 8 बाई 4, तो एक्स इज लेस देन 2 आ गया. तो ये आ गया पहला इक्वेशन, पहला इन इक्वेशन का सॉल्यूशन. अच्छा, अभी दूसरे में जाते हैं हम लोग. 1 बाई टू माइनस फोर एक्स लेस देन और इक्वल टू 15 बाई टू. तो यहाँ भी फोर एक्स जो है यहीं पर रखिए, और जो नंबर है इस साइड को लेके आ जाइए. तो एलसीएम लीजिए, अभी यहाँ पर एक स्टेप बताऊँ मैं. अभी इधर में माइनस फोर है, और जो नॉर्मल इक्वेशन में क्या करते हैं, माइनस फोर इधर लेके आते हैं, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्स इज ग्रेटर देन और दिस, सो 8 बाई फोर हो जाएगा माइनस फोर. तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू. तो अभी हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, एक्स इज लेस देन टू और एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू, है ना. तो इसका मतलब क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू और एक्स इज लेस देन टू. तो अभी यहाँ पर लिखा है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स. तो इसको यदि नंबर लाइन में बनाना है तो नंबर लाइन तैयार कीजिए. इधर ज़ीरो 1, 2, 3, 4, है ना, ये इक्वल डिस्टेंस आप स्केल से आपको लेना है, ऐसे रफली नहीं लेना है. माइनस टू माइनस, तभी इसका मतलब क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू इक्वल टू माइनस टू. तो इसका मतलब ये भी इंक्लूडेड है, फिर 1 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है, लेस देन 2, इसका मतलब 1. तो इसको अलग से भी लिख सकते हैं, माइनस टू माइनस 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा. तो 2 इंक्लूड नहीं है, ये साइन नहीं है, इसलिए 2 इंक्लूड नहीं है. और इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स. तो उसमें पॉइंट नहीं होता है, बीच वाले नहीं होते हैं, इसलिए उसमें लाइन नहीं खींचना है, सिर्फ डॉट डॉट लगाना है, ये डिस्क्रीट रहते हैं, ठीक है. तो ये आ गया फर्स्ट सॉल्यूशन. तो चलिए आज फिर से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. तो पहले ये दो ले लेंगे 2016 का. सो 3x प्लस 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x. तो इसमें यदि हम देखेंगे तो x को एक साथ कर लीजिए जल्दी से, 15 माइनस 21. सो 4x ग्रेटर देन माइनस 6. सो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 6 बाई 4. एक्स इज ग्रेटर देन
माइनस 1.5 आ गया। तो ये हमको मिल गया। अभी दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए 15 माइनस 7x ग्रेटर देन x प्लस 1/3। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जल्दी हो जाएगा। सो 3 × 15 45 माइनस 3 × 7x दोनों को करना पड़ता है ना, 21x ग्रेटर देन x प्लस 1। अभी x को एक साथ कर लीजिए, माइनस 21x, पहले जो अपने साइड में उसको पहले लिखना है, फिर जो बाद में ले आते हैं उसको विद प्रॉपर साइन, साइन प्लस है इधर माइनस करना है, तो 1 − 45। सो माइनस 22x ग्रेटर देन माइनस 44। तो अभी यहाँ पर जब दोनों साइड माइनस होते हैं, माइनस को काटना पड़ता है, इसको लेके आना पड़ता है, तो क्या करना है, तो ये साइन चेंज कर देना। देखिए जैसे माइनस 3 और माइनस 4 कौन सा बड़ा है, तो माइनस 3 बड़ा है, लेकिन जब हम इसको माइनस को काट के लिखेंगे 3 और 4, तो 4 बड़ा होता है, तो इसलिए जब माइनस को काटते हैं तो देखिए उल्टा हो जाता है, तो साइन को उल्टा कर दीजिए। तो एक्स इज इक्वल एक्स इज लेस देन 44/22। तो यही मिस्टेक होने का चांस है, इसलिए ध्यान से करिए। तो एक्स इज लेस देन 2। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, एक्स ग्रेटर देन माइनस 1.5 और लेस देन 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। तो अब इसको यदि नंबर लाइन में करना है तो नंबर लाइन बनाइए, 0, 1, 2, फिर माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3। अभी एक्स जो है 1.5 से, माइनस 1.5 से बड़ा है, तो माइनस 1.5 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में, ये माइनस में है। अभी यहाँ पर देखिए दिस इज इक्वल टू माइनस 1.5, तो यहाँ पर आपको ये डार्क सर्कल बनाना है, क्योंकि ये इंक्लूड है, जो डार्क सर्कल माने इंक्लूड है। कहाँ तक जाना है, लेस देन 2, तो 2 तक। अभी ये जो रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर सब उसमें आते हैं, पॉइंट्स में भी आते हैं, तो बीच वाले सब आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये 2 यहाँ पर 2 इंक्लूड नहीं है, जैसे हमने वहाँ पर बताया था, तो इसलिए हम यहाँ पर ये हॉलो सर्कल बनाएंगे। ये डार्क सर्कल जो इजिकल टू या लेस देन है, तो अभी इसके बाद क्योंकि रियल नंबर में सब पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, पॉइंट्स डेसिमल पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे 1 और 0 के बीच में सब नंबर इंक्लूड है, तो इसलिए तो ये हम एक लाइन खींचते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो लेस देन है, मोर देन है, जो इक्वल टू नहीं है उसको हॉलो सर्कल, और जो इक्वल टू है उसको डार्क सर्कल बनाना, ठीक है। और ये लाइन है तो एरो लगा दीजिए। तो इस तरह से आप सॉल्व करना है, तो ये 100% आईसीएसई में आएगा। थैंक यू।